की दादियों मम्मा लड़ाई करते हैं, दोनों जन लड़ाई करते हैं और हम लोग एंटरटेन करते हैं, हम लोग एंटरटेन होते हैं। आज हम कुछ नया ट्राई करने जा रहे हैं, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ अपनी बहन से सीख जो 10-10 किलो उठाती है। गिर गए बेहोश हो गए। हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो? जब से रमजान लगा है, इफ्तारी लाने अकेले मम्मी जाती थी या मैं या फिर सादिम, पर अभी हमारे स्कूल की छुट्टी भी हो गई है और हम हो गए हैं बेकार। हमारे पास तो वैसे भी कुछ काम धंधा है नहीं, तो आज सादिम और मैं हम दोनों जा रहे हैं इफ्तारी लाने। ऐसे हमारा टाइम भी पास हो जाएगा और फिर जल्दी से इफ्तारी का टाइम भी हो जाएगा। तो अभी चलो चलते हैं जल्दी जल्दी। देखो गाइस, सादिम इतना बड़ा हो गया और अभी भी इसको लेस बांधना नहीं आता। मेरे को पानी आता लेकिन मेरा टाइम नहीं। पापा से देखो लेस बंधवा रहा है, ऐसा बच्चा है। इसको मैं बांध कर लेता हूं। अच्छा पापा, अभी लेस बांधता था लेकिन टाइट हो गया, वो मतलब ढीला था। हमारे घर से निकलने से पहले ही हमारी बिल्लियां आ जाती हैं दरवाजे के पास और भाग जाती है। तो अभी पापा हेलमेट पहन रहे हैं सेफ्टी के लिए। तो अभी हम लोग आ चुके हैं नया नगर मार्केट और आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी ज्यादा ही भीड़ है। और अभी तो भीड़ कुछ नहीं है, यहाँ पे सिक्योरिटी भी लगी हुई है बहुत ही हाई। अगर यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं रहेगी तो यहाँ पे भीड़ भाड़ी हो जाएगी। क्या लगा था मैंने? अच्छा, यहाँ पे सिर्फ स्कूटर और इंसान पैदल ही आ सकता है, फोर व्हीलर टाइप कुछ भी नहीं आ सकता। हाँ, पूरे रमजान, क्योंकि ऐसे ही यहाँ पे मार्केट लगते तो भीड़ हो जाती है, अगर फोर व्हीलर आएंगे तो यहाँ पे तो और ही भीड़ हो जाएगी। तो अभी हम लोग आ चुके हैं मेन मार्केट में, पर अभी रमजान का टाइम चल रहा है तो ज़्यादा मार्केट नहीं लग रही, अंदर सब मार्केट बाहर ही लग रही है। तो अभी यहाँ पे अंदर गाड़ी पार्क करके चलते हैं बाहर। हाँ, ये आंटी हमारी चाहने वाली। थैंक यू। दोनों मेरे बच्चे सेम देख सकते, शादी में कितनी मारी थी, बोलती मम्मी मेरे को भी दिखाना नहीं मिलेगी, तो मैं कहा कल मैंने दिखा, तुम लोग आए थे शॉपिंग करने। हाँ, मिलेगी ना, तुम्हें रास्ते में दिखाती हूँ। हाँ, शादी मन मारिया। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? ये यूट्यूब पे चैनल बनाते बच्चों, दोनों की बड़ी इनके डैडी हैं, इधर ही रहते हैं। ये शादी में नहीं मारते हैं दोनों, बच्चे इनकी अफ्तारी लेने यहीं से आते हैं। बाय बाय। पापा गुच्छा छाट छाट के अंगूर ले रहे हैं, बड़ी छटाई करनी पड़ती है। शादी में से भी कोई काम का है नहीं, तो ये झोला ही उठा ले। नहीं, अभी हमें लेना है कलिंगर। नहीं रहती तुमने, मेरा अभी बना रही है क्या? अरे मेरा भी डालेगी, मत डालना मेरा। 40 का 50 का 30 का। तो अभी पापा कलिंगर ले रहा है, पहले काटते हैं कलिंगर को, देखते हैं। एकदम मीठे मीठे आम ले रहे हैं हम। अंकल पपैया कितने का? 50 रुपए किलो। खरीद लेगा ना? 50 रुपए किलो। हाँ अंकल, खरबूजा कितने का? 103। तो अभी यहाँ पे हम खरबूजा भी ले लेते हैं। 3 किलो है, पता नहीं कितना। यहाँ पे सारा फ्रूट्स किलो के हिसाब से भी देखते हैं ना। हाँ, तो हमने पूरा 3 किलो लिया है। हाँ अंकल, चिकन रोल ले लेंगे। हाँ, एक चिकन रोल दे दो और एक ये दे दो। आज हम कुछ नया ट्राई करने जा रहे हैं, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं। तो बाइक लेके आ चुके हैं और शादी में हमारा झोला उठाएगा। ओहो, उठा भी ले रहा है। तो हम आ चुके हैं अपने पुराने स्कूल के पास। पहले मैं यहाँ पे पढ़ती थी, मैंने यहाँ पे 1 साल, जब हम नए नए आए थे तब मैं 1 साल यही स्कूल में पढ़ी हूँ। 2 साल यही स्कूल में पढ़ी। हाँ, और तब लॉकडाउन भी था, मैंने लॉकडाउन यही स्कूल में पढ़ा है। और आज मैंने अपने पुराने स्कूल का यूनिफॉर्म भी पहना है, आप लोग को दिखाती है। देखो
आज मैंने अपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है। एक्चुअली यूनिफॉर्म, हाँ क्या बोल रहा तू? क्या स्कूल में पढ़ा? अच्छा मेरा स्कूल जैसे गाँव है, मैं पढ़ती हूँ ऑलरेडी दूसरे स्कूल में। ये जो रोड है ये करीबन 3 महीने से बन रहा है, जब हमारा स्कूल खुला था तब एग्ज़ाम भी नहीं स्टार्ट हुए थे तब से बन रहा है और अभी तक ये बना नहीं है। ठीक है, अभी एक साइड का जब ये बनेगा तब दूसरे साइड का फिर कब बनना पता नहीं, कब स्टार्ट होगा, कितने स्लो स्लो काम होता है ना। तो अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्डिंग में और ये झोला उठाने के लिए किसी का भी दम नहीं, दादी हमारा उठाएगा झोला आज। ये जो आज शादी मेरी स्टाइल कर रहा है, चलो आज मेरे को छुट्टी मिल गई। इन महाशय से ये 2 किलो का झोला नहीं उठ रहा है, कुछ अपनी बहन से सीख जो 10-10 किलो उठाती है। गिर गए, बेहोश हो गए, रहने दो भाई तुम, मैं ही हूँ ठीक। पापा और सबकी तो हालत टाइट हो गई है, अब ये झोला उठा कर लेके जाएगा, ये किसी काम का नहीं है, ये बहुत ही गंदा लड़का है, पर मम्मी इसको फिर भी प्यार करती है, मुझे नहीं करती। पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, मम्मी मुझे प्यार नहीं करते। हाँ मम्मी ये शादी में कोई प्यार करती है, मम्मी दीदी को प्यार नहीं करती, सिर्फ शादी को करती है। मुझे मेरी मम्मी प्यार करती है। हाँ मुझे भी मेरी दादी प्यार करती, मम्मी नहीं करती, मेरी दादी प्यार करती है। दादी को ही सब प्यार करती हैं और दादी इसको भी प्यार करती हैं, दादी हम सबको प्यार करती हैं, सिर्फ दादी मम्मा को प्यार नहीं करती, दादी और मम्मा लड़ाई लड़ाई करते हैं, दोनों जन लड़ाई लड़ाई करते हैं और हम लोग एंटरटेन करते हैं, हम लोग एंटरटेन होते हैं। इफ्तारी का वक्त होने वाला है और यहाँ पे देखो मम्मी बहुत सारा ही इफ्तारी बना लिया है आज मम्मी ने, तो आज हम दोनों गए इफ्तारी लाने और आपने आज भी देखा हमें एक बहुत सारे चाहने वाले मिले, 2-3 आंटी मिली नकाब में, उन्होंने मना कर दिया कि हमारा फेस मत दिखाना, तो हमने उनका फेस नहीं दिखाया पर उन्होंने भी हमारी बहुत सारी तारीफ करी, हमें बहुत अच्छा लगा। और एक आंटी और उनके बच्चे मिले, उन्होंने हमारे साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करी और उन्होंने हमें बहुत सारी दुआ दी, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और अभी इफ्तारी का वक्त भी होने वाला है तो अभी हम लोग जा रहे हैं इफ्तारी करने और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दो, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, बाय।